हेलो फ्रेंड, आज हम लोग वीवो वी 20 का हार्ड रिसेट करके आपको बताएंगे। इसमें हम लोगों का बहुत सारा कमेंट आया, सर वीवो का वी 20 का एगो हार्ड रिसेट वाला वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग बताएंगे वीवो वी 20 का हार्ड रिसेट आपको कैसे करना है। अगर उसमें आपका पैटर्न, पासवर्ड, पिन कुछ भी लॉक हो जाता है तो आप उसको हार्ड रिसेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इसको पूरी तरह से आप हार्ड रिसेट कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे एंड्रॉयड 12 वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको बड़ी आसानी से घर बैठे इसका हार्ड रिसेट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सेट को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हम लोग बताएंगे इसमें हम लोग का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट पहले कर चुके हैं, तो आपको दिखाने के लिए आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर रिकवरी मोड में लेकर जाना है, उसके लिए ऑन ऑफ बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन दोनों एक साथ आपको यहाँ पर दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का फिर से दो ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको रिकवरी मोड का और आपका रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दूसरा नंबर में आपको सिलेक्ट करना है रिकवरी मोड में, और आपको यहाँ पर ऑन ऑफ बटन से एक बार प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सिंपल तरीके से हार्ड रिसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं हम लोगों को 3 से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एगो लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीवो वी 20 में। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं नेटवर्क अपडेट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से प्लीज यहाँ पर आपको लिखने को मिल जाएगा कनेक्ट द वायर इंटरनेट। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से दूसरा मोबाइल का वाईफाई लेना है और यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको चेकिंग सिस्टम नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको चेकिंग सिस्टम नाम में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, दूसरा में आपको चेकिंग सिस्टम नाम में क्लिक करना है। चेकिंग सिस्टम नाम में आप जैसे क्लिक कीजिएगा, इसमें आपका पैटर्न, पासवर्ड, पिन जो भी लॉक रहता है वो आपको चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से क्लियर डाटा में क्लिक करना है। क्लियर डाटा में फिर से हम लोगों को दो ऑप्शन देगा। सबसे ऊपर वाला में आपको सबसे पहले उसको क्लियर करना है, ये हम लोग का तुरंत क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा को, यहाँ पर हम लोग का जो मेन है वो हम लोग का क्लियर ऑल डाटा ही मेन है। यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जैसे कर दीजिएगा आपका पूरी तरह से यहाँ पर पैटर्न, पासवर्ड, पिन जो भी लॉक लगा रहता है वो आपका पूरी तरह से फुल फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं हम लोग का पैटर्न, पासवर्ड, पिन पूरी तरह से फुल फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपका 5 से 6 मिनट आपको वेट करना है, तो हम लोग का उतना टाइम वेट करते हैं। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। क्लियर करने के बाद आपको रिस्टार्ट में क्लिक करना है। रिस्टार्ट में आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपका सेट वाइब डाटा मोड में चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। फुल फॉर्मेट होने में 5 से 6 मिनट आपको वेट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें फास्ट फॉरगेट करके आपको बताएंगे कि FRP कैसे बाईपास करना है। तो यहाँ पर हम लोग का FRP वाला ऑप्शन आ चुका है, फास्ट फॉरगेट करके आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर FRP के लिए सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, और आपका FRP भी बाईपास हो जाएगा। फिर भी अगर आपका FRP बाईपास नहीं होता है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर लिखें, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से देख सकते हैं सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है, और आपका जो FRP है वो 100% यहाँ पर हम लोग का बाईपास हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है, आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा देखने को मिलेगा, आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका गूगल सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपल तरीके से एग्री करना है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ स्टेप करना है और आपका FRP भी बाईपास घर बैठे अनलॉक हो जाएगा। FRP भी अगर आपका बाईपास नहीं होता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ पर आपका यूजर नाम है, आपका जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका सेट 100% पैटर्न, पासवर्ड, पिन एंड FRP सब कुछ अनलॉक हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो हम लोग का अनलॉक हो चुका है, और FRP भी हम लोग का अनलॉक हो चुका है। फिर भी अगर आपका पैटर्न या FRP लॉक नहीं होता तो